सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में दो स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, क्लॉसियस एंड केल्विन स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्लॉसियस ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट से रिलेट करता है, और रेफ्रिजरेशन में हीट ट्रांसफ़र इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से हम लोग पहले ये स्टेटमेंट देखते हैं। ये सेकेंड लॉ स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो क्लॉसियस जी ने बोला था कि जो अगर आप लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पर अगर आप हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन के अकॉर्डिंग ये था कि एक ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन क्लॉसियस स्टेटमेंट इस चैप्टर से रिलेट करता है। मैंने आपको दोनों बता दिए क्योंकि ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। आपको बोलेगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर विदाउट द एडेड एनी एक्सटर्नल सोर्स दिस स्टेटमेंट। तो अब ये स्टेटमेंट तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लॉसियस स्टेटमेंट है और केल्विन स्टेटमेंट, तो आपको दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं फिर। अब आप ये आप सबको पता होगा कि हीट ट्रांसफ़र के थ्री मेनली मेथड होते हैं, कौन कौन सा, कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशंस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कंडक्शन, आपको इस इन तीनों में क्या पॉइंट याद रखना है, कहाँ से क्वेश्चंस आपके पुटअप कर लिए जाते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो कंडक्शन है उसमें आपके कैरियर्स, मतलब कि जो आपके हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, या पार्टिकल्स, तो कंडक्शन में ये कांस्टेंट रहते हैं, यानी उनकी पोजीशन नहीं चेंज होती है, जबकि कन्वेक्शन में वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जो आपके पार्टिकल्स या कैरियर्स होते हैं जो कि आपकी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। और जबकि रेडिएशन में हमें इस तरह के किसी भी कैरियर या पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है जो कि आपका हीट को ट्रांसफ़र करे, ठीक है। तो कंडक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। आपका नॉर्मली आपने अपने अगर कभी पैन वगैरह चढ़ाया हो आपने अपनी गैस पे, तो आपने देखा होगा कि पैन का जो बॉटम सरफेस है वो आपका हीट के कनेक्शन में रहता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है वो कंडक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो कॉन्स्टेंट रहे ना, फिर भी आपका हैंडल गर्म हो जाता है। उसके बाद कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का एग्जांपल जैसे आपका वाटर बॉयल होता है, तो ये आपका एग्जांपल है कन्वेक्शन का। रेडिएशन, जो सनलाइट, जो सन की जो लाइट हमारे अर्थ पे आती है, तो वो आपका एग्जांपल है रेडिएशन का। इन तीनों पॉइंट से जहाँ से क्वेश्चन बनते थे, या तो आपको एग्जांपल देगा और बोलेगा कि ये कौन सा कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन है या रेडिएशन है, या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि जैसे कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, आपको चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको बस ये देखना है कि जहाँ पर लिखा हो कि जहाँ पे विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी जहाँ पे ऐसी जगह कि पार्टिकल का मोशन जहाँ नहीं होता है वो कंडक्शन, जहाँ पर पार्टिकल का मोशन या कैरियर का मोशन होता है वो कन्वेक्शन, और जहाँ पर हमें पार्टिकल या कैरियर की ज़रूरत नहीं होती हीट ट्रांसफ़र के लिए, वो प्रोसेस आपका रेडिएशन, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक रेफ्रिजरेटर पर। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेफ्रिजरेटर का, कि सबसे पहले आपसे पूछता है कि ये किस पर वर्क करता है, तो ये रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये एकदम ऐसे ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रही हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको ये तीन रिलेशन बिल्कुल अपने माइंड में रखना है, खासकर ये सेकंड वाला कि 1 टन वेट में 210 किलो जूल पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में ये वाला रिलेशन पूछा जा चुका है, इस वजह से आपको ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्पेशली ये सेकंड वाला कि 1 टन वेट में 210 किलो जूल पर मिनट होते हैं, या ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 टन वेट में 3.5 किलो वाट या फिर 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। उसके बाद ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप याद रखोगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। 1 टन वेट इक्वल 50 किलो कैलोरी पर मिनट। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर की COP क्या होती है। तो ये देखिए, QE/QR-QE। तो देखिए, QE मतलब कि ये आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, और ये रिलेशन जो है ये आपका वर्क है, इसको आप लोग QE/W भी बोल सकते हो। आपको जैसा कि मैंने शायद एक वीडियो इसके बारे में पहले भी अपलोड कर रखा है कि हमें रेफ्रिजरेटर को वर्क देना पड़ता है। उसके बाद ये आपका, जैसे मान लीजिए ये कोई रूम है, यहाँ से ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है, इसने हीट ली और यहाँ पे आपका वायुमंडल या फिर एटमॉस्फियर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे QR हीट
रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ रेफ्रिजरेटर की साइकिल है। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन की, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स पे बहुत ही यूज़फुल है। देखिए, अगर आप कहीं पर भी पंप की सीओपी दे रखी हो और आपसे रेफ्रिजरेटर की सीओपी पूछे, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा याद रखोगे कि जो पंप की सीओपी होती है वो रेफ्रिजरेटर की सीओपी से एक यानी वन ज़्यादा होती है। यदि आपको सीओपी रेफ्रिजरेटर की दे दे और सीओपी पंप की दे दे पूछे, तो आप क्या कहोगे कि जो मान लीजिए, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपको रेफ्रिजरेटर की सीओपी 74 दे दी गई, आपको पंप से पूछे, तो पंप की क्या होती है, एक हमेशा ज़्यादा होती है, तो यानी पंप की सीओपी क्या हो जाएगी, 75। या फिर आप इस रिलेशन को भी याद रख सकते हैं कि पंप की जो सीओपी होती है, देखिए वो रेफ्रिजरेटर की सीओपी से एक ज़्यादा होती है, ठीक है। इस ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद एक रिलेशन और है, उसको मैंने न्यूमेरिकल के उससे समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपको हीट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है 0.75, अब वो बोल रहा है कि इसको रिवर्स करके हमने रेफ्रिजरेटर बना दिया, तो इसकी सीओपी क्या हो जाएगी? तो अब आपको रेफ्रिजरेटर और पंप की सीओपी का रिलेशन पता है ना, कि अगर आपको पंप की पता चल जाए तो आप रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकाल लोगे, उसमें वन लेस कर दोगे। तो अब हम इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि जो हीट इंजन की एफिशिएंसी और जो सीओपी ऑफ पंप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल वन के इक्वल होता है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही इजी वे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एफिशिएंसी आपको हीट इंजन की दे रखी थी 0.75, मैंने पंप की यहाँ पे इक्वल वन किया, इस तरीके से सीओपी ऑफ पंप मैंने निकाल ली, कितनी आई, 1.33। अब आपको पता है कि पंप की हमें पता है, तो हम रेफ्रिजरेटर की बहुत ही इजी वे से निकाल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी सीओपी जो हो जाएगी वो इससे वन कम हो जाएगी, तो मैंने वन से इसको लेस कर दिया, आपकी सीओपी बड़ी इजी वे से आ गई 0.33, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट की। उसके बाद रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो देखिए, द रेफ्रिजरेंट इज़ अ हीट कैरिंग मीडियम विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर स्पेस एंड रिजेक्ट हीट टू हाई टेम्परेचर स्पेस। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद है नॉमनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये देखिए, ये कुछ नया है, मतलब कि अगर आप रेफ्रिजरेंट का नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे, आपने बहुत देखा होगा कि R11 लिखा रहता है और R12 लिखा रहता है इस तरीके से, तो आप उसको कार्बन और क्लोरीन के फॉर्म में कैसे निकाल पाएंगे? तो देखिए, इसके लिए आपको RMNP इस तरीके से देखिए, तो अगर R11 है तो देखिए, सबसे पहला टर्म क्या है, M, लेकिन M यहाँ पे दो डिजिट हैं, यहाँ पे MNP, तो इसका मतलब M की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 रहा होगा, तो M इक्वल 0। N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1। P की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब आपको ये तीन रिलेशन याद रखने हैं कि C की वैल्यू, H की वैल्यू और F की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो देखिए, M इक्वल C-1 होता है, N इक्वल H+1 होता है और P इक्वल F होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि M इक्वल 0 है, आप यहाँ M इक्वल 0 रखिए, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, ये -1 है, उधर +1 हो जाएगा। उसके बाद अब आपको पता है N की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो H की वैल्यू 1 से 1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरीके से अगर आपने P की वैल्यू यहाँ 1 रखी, तो F की वैल्यू आ जाएगी 1। तो कुल मिला के आपका रिलेशन क्या बना, यहाँ पे बना आपका CF। अब आपको क्लोरीन कितने होंगे ये कैसे, तो देखिए, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एक वैलेंसी तो इसने ले ली, बाकी तीन वैलेंसी कहाँ से वो पूरी करेगा, Cl3। तो इस तरीके से CFCl3 आपका, ये आपने C और कार्बन और क्लोरीन के टर्म में इसे निकाल लिया। इसका नाम देख लेते हैं कि इसका नाम है ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमेथेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नॉमनक्लेचर आना चाहिए। इसी तरीके से आप R12 का कोई भी हो, आप इसी तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट, ये छोटा सा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम्पल देके। देखिए, मेनली टू टाइप्स के आपके रेफ्रिजरेंट होते हैं, कौन कौन से, पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखिए, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, मैंने बहुत ही थ्योरी वगैरह नहीं लिखा हुआ है कि मैंने वही पॉइंट लिखे हुए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। देखिए, जैसे कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल आप याद कर लीजिए, R11, R22, NS3, R717, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट
पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब कि पहले वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प ले के पहले वो ठंडे कर लिए जाते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का वर्क होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि आपका H2O वाटर। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की है। इसके बाद ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और कई वीडियो में कई पार्ट में ये कंप्लीट होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।